तकरीत की फतह के बाद एक बहुत नाजुक मरहला आ गया था मुसलमानों के लिए। वो हुआ क्या कि सहाबा किराम में से एक सहाबी थे जिनका नाम था आला बिन हजरमी। तो ये बहरीन के फतह में इनका कारनामा था। ये यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहरीन का इनको गवर्नर बनाया था। जब इन्होंने देखा कि मदियन में बैठ करके और फिर बाद में कूफा में बैठ करके साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक पर एक मार्का सर किए चले जा रहे हैं और बहादुरी के नकूस जो है तारीख में सब किए चले जा रहे हैं, तो इनको भी जोश आ गया। आई इन्होंने सोचा कि मैं सरप्राइजिंग जो है खुशी देता हूँ अमीरुल मोमिनीन को। आई इन्होंने क्या किया कि एक फौज बहरीन से बहरी रास्ते से जो है फारस पर अटैक कर दिया बिना बताए बिना मशवरे के। और सोचे जीत जाएंगे फिर खबर दे देंगे और फिर हमारे भी जो है साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु तरह हमारे भी जो है हिस्ट्री में नाम रहेगा। लेकिन ये फौज जब गई है और अस्तखर पर जब जो है क़याम की है तो ईरानी एक बहुत बड़ी जमीयत जो है इसको घेर ली। अब जब ये घेरे में आ गए तो उसमें एक सिपह सालार थे, उनका नाम था खलीद बिन मुनजिर। ये बहुत जाबाजी के साथ लड़े और बहुत बड़ी जमात को क्रश कर दिए, लेकिन फिर भी ये अपनी कश्ती को बचा नहीं पा रहे थे और मुसलमानों की कश्ती ईरानी फौजों के बीचों बीच आ गई। तो अब करें क्या, बिल आखिर जो है हालात का इंतज़ार कर रहे थे, करते करते इनको लगा के एक हमारी छोटी सी जमीयत है और यहाँ पर जो है ईरान में जो है रहना मुनासिब नहीं है, वरना अगर ईरान की बड़ी फौज आ जाएगी तो फिर यकीनी बात है कि हम लोग हिलाक कर दिए जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो इन लोगों ने कहा कि कश्ती से उतर जाते हैं और ये साहिल के किनारे किनारे इधर से बसरा चले आते हैं और मुहिम में कामयाबी नहीं हुई तो कम से कम जान ही बच जाए और बसरा में आकर के फिर बसरा से जो है बहरीन आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ये कश्ती से उतरे साहिल पे और पैदल आने लगे कि यहाँ पर ताउस नाम का एक शहर था, वहां पर जो है ईरानियों ने फिर घेर लिया पूरी फौज को। अब ये छोटी सी जमात थी लेकिन बड़ी फौज ने आके घेर लिया, मुसलमानों को बहुत तशवीश हुई। तब जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की इत्तला मिली कि ये मुसलमान एक फौज जो है यहाँ पे ईरान के जो है जमीन पे घिरी हुई है और हो सकता है कि उसको क्रश कर दिया जाए। तब इन्होंने जो है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फौरन कूफा के जो है जो गवर्नर थे साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब बसरा के गवर्नर थे उताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उतबा बिन गजवान, इनको बोले कि जल्द से जल्द जो है तुम एक फौज रवाना करो और ये मुसलमान फौज जो घिर गई है इसको बचा करके ला। तो उतबा बिन गजवान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बसरा के गवर्नर थे, इन्होंने एक फौज तैयार किए और अबू सबरा को ये टारगेट दिए कि जाइए और आप बचा के लाइए और इनको 12,000 की फौज दी गई। तो ये फिर गए हैं और फिर ये उन लोगों पर अटैक करके ताउस में मुसलमान फौज को किसी तरह बचा करके फिर बसरा ले आए हैं और फिर बसरा से ये फौज बहरीन आ गई। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ ये मामला निपट गया तब फिर आला बिन हजरमी रजी अल्लाह ताला अन्हु बुलाए और काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए कि इस तरह एडवेंचरस होने की जो है क्या ज़रूरत थी, अब बिना बताए बिना मशवरे के बिना इंफॉर्मेशन के। लिहाजा उनको उसी वक्त उन्होंने माजूल कर दिया। अब माजूल करने के बाद बोले अब जाइए कूफा में जाकर के साद बिन वक्कास की मातहती में रहिए। तो ये जो है एक वाकया पेश आया था जो मैं सोचा कि आपको जो है शेयर कर देता हूँ। इसके बाद अहवाज कैसे फतह हुआ ये अब हम जो है डिस्कस करते हैं।